गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ सीनरी पेज नंबर 36। देखिए बच्चों, आप लोग की मटेरियल किट में ये सैंड पेपर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। सैंड पेपर अगर साइड में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो उसको इस तरीके से कटिंग करके क्लियर कर लीजिएगा। फिर इसको आप लोग फेविकोल से अपनी बुक में पेस्ट कर देंगे इसको। इसको इस तरीके से आप पेस्ट करोगे। अब इसके बाद देखिए, आप लोगों को बेटा कलर कौन कौन से चाहिए, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, और ये आपका सन का होगा कलर, येलो कलर, और ये स्काई कलर। आप पहले बनाओगे बेटा इस पे सन। सन बच्चों, ये देखिए आपका ये कलर इसमें साइन नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसका कलर हम सन का चेंज करेंगे। आउटलाइन हमने देखिए येलो कलर से करने के बाद इसको हमने ऑरेंज कलर से कर दिया है, क्योंकि इसमें ये कलर आपका समझ में नहीं आ रहा है येलो कलर। इसके बाद आपका नीचे डार्क कलर है, ये जमीन बनी हुई है मिट्टी इसकी, आप इसको ये इस तरीके से इसका ये कलर कंप्लीट करोगे। इसका देखिए बच्चों, यहाँ पे ये झाड़ी बनी हुई है, आप इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो बच्चों, जैसे ये आप ये यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ी और दिखा सकते हो। इस तरीके से ये, और इसका देखिए ये बच्चों यहाँ पे लाइट कलर है, इसको बहुत हल्के से आप बहुत लाइट कलर आप इसका यहाँ पे ये करेंगे। और पहले आप यहाँ पे बनाइए स्काई, और ये क्योंकि बेटा ये नाइट का सीन है, यहाँ पे आपको थोड़े से डार्क कलर यूज करने हैं। इस तरीके से इसको कंप्लीट करने के बाद आप ये पूरा इसका देखिए ऊपर, ये इसमें आपके ब्लैक कलर है, इसको बहुत लाइट उसमें हल्के हाथों से बहुत आप इसको ब्लैक कलर यूज करेंगे। इस तरह इसको ब्राउन के साथ आप मिक्स करोगे बेटा कलर, ये कलर आप इस तरीके से इसको ब्राउन के साथ मिक्स कर देंगे कलर को। और इस लाइन को अलग दिखाने के लिए भी आप यहाँ पे इस पे ये ब्लैक लाइन करके इसको इस तरीके से थोड़ा सा इस पे भी यहाँ पे ब्लैक कलर करोगे, जिससे कि ये स्पेस आपका अलग दिखाई दे। और ये चीज भी आप इसको बच्चों देखिए, आपने स्काई बनाया है, स्काई को इस तरीके से आप पूरा डार्क करोगे, बहुत प्रेशर से इस पर आपको कलर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि इस ये पेपर थोड़ा सा खुरदरा होता है, ये आप लोग भी जानते हो। और इसको अच्छा सा आपको दिखाने के लिए कलर आप अच्छा सा इसको देखिए ये पेस्ट करोगे, ये कलर आप इस तरीके से करेंगे।
और बच्चों मुझको आप लोग करके 1 बजे तक भेज दीजिएगा, और वरना आप लोग की आज ये एब्सेंट लगेगी। और नेक्स्ट टर्न पे बेटा आप लोग का टेस्ट होगा इसी का, ये सीनरी का। और बच्चों आप लोग का वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरे पास बहुत कम बच्चे वर्क भेज रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।